ई लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें, स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ इसमें पहले इसके नियम निर्धारित हुए थे, उसके ऊपर भी हमारी टीम के द्वारा एक सेपरेट वीडियो बनाया गया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। इस भर्ती में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका स्कूल से दूरी का है। आपके स्कूल से और आपके घर की दूरी कितनी है, उस आधार पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यह सर्टिफिकेट आपको ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी इशू करेगा। तो सबसे पहली खबर आई है धर्मशाला जिला कांगड़ा से, जहां पर देखिए स्कूलों में मल्टीटास्क भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन भी मांगे गए हैं। तो यदि कोई धर्मशाला से अभ्यर्थी है तो 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 5 बजे तक प्रारंभिक शिक्षा खंड धर्मशाला के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। इसी तरह से देखिए पूरे के पूरे हिमाचल को हम कवरअप करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, कौन से खंड में ये रिक्रूटमेंट हो रही है। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा और आप भी अपने जो स्थानीय स्कूल है उनका नोटिस बोर्ड होगा या विभिन्न तरह के जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं उन पर अपनी निगाहें रखिएगा। अगली तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिव जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसकी परीक्षा का इंतजार उसकी परिणाम का इंतजार था, तो आखिर ये परिणाम डिक्लेयर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, आप वहाँ पे टाइप सिंपली गूगल पे टाइप कीजिएगा HP रिक्रूटमेंट, HP यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो उसका लॉगिन पेज पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। उसके अंदर आपके मार्क्स वगैरह सारे वहाँ पे शो किए हुए हैं। तो काफ़ी लंबे समय बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के द्वारा पंचायत सचिव का जो छंटनी परीक्षा का है परिणाम घोषित कर दिया है। एक और बड़ी खबर आई है, हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस के अभ्यर्थी है उनका भी देखिए आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी, अब मेरिट लिस्ट जारी करना पेंडिंग है, लेकिन 12 के 12 जिलों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। 26,000 ने पास की है पुलिस की परीक्षा भर्ती। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में 1334 पदों पर ये भर्ती होगी। जनरल में जिन अभ्यर्थियों के 50 मार्क्स थे और रिजर्व में जिनके 40 थे उसके ऊपर के कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इवेल्युएशन टेस्ट होगा, तो उसके लिए जो नियम है जितनी वैकेंसीज होगी उस पे 1 पे 3 का चयन होता है। उस आधार पे आप फिर से एक लिस्ट जारी की जाएगी और उसी के आधार पे आप आगे जाएंगे और नेक्स्ट फेज में आप आगे बढ़ेंगे। जिन अभ्यर्थियों का क्वालिफाई नहीं हुआ है वे भी नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कहीं ना कहीं आपको और भी अच्छे विकल्प मिल सकते हैं यदि इस बार आपका पुलिस में नहीं हो पाया है। हिमकेयर में अब 1 साल में प्रीमियम और 3 साल का इलाज, देखिए अच्छी खबर है। इसके लिए 3,000 रुपये देने पड़ने थे ऐसे अभ्यर्थियों को, अब क्या होगा 1,000 रुपये में ही कार्ड बनेगा, 3 वर्ष का हिमकेयर योजना का लाभ कर्मचारी ये जो भी इससे संबंधित लोग हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी बदलेगी। अब देखिए आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बजट में ही एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो CNDB के अध्यापक होते हैं उनका कैडर भी स्टेट लेवल का कर दिया जाएगा। देखिए जब कोई चीज़ स्टेट लेवल पे जाती है तो निश्चित तौर पे जब स्टेट कैडर बनता है तो वहाँ पे तो आपको पता ही है फिर बदलियाँ भी आपकी स्टेट कैडर पे होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए आज कैबिनेट का 7 तारीख को एक कैबिनेट होगी तो उसमें निर्णय लिया जा सकता है। और इसमें देखिए एक और यहाँ पे जो इनका अनुबंध का अनुमति जो इनका कॉन्ट्रैक्ट का रहता था जो जिलों के बीच में ट्रांसफर होती थी उसके ऊपर भी कोई निर्णय हो सकता है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट पर। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे जो पोस्ट कोड है इस वैकेंसीज का, इसके RNP रूल्स यहाँ पे फ्रेम किए गया है। पोस्ट कोड है इसका 927 जो कि संबंधित है इन्वेस्टिगेटर से। तो यहाँ पे कहा गया है कि शुड हैव पास्ट मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 18 से 45 वर्ष के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए। आयु सीमा का निर्धारण 1/1/2021 से किया जाएगा। ब्रेकअप ऑफ पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पे 3 पोस्टें दर्शाई गई है।
इवेल्युएशन टेस्ट होगा 15 मार्क्स का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट को 939 के लिए। तो शिवानी कुमारी है और कविता, इन दो का ही इवेल्युएशन टेस्ट होगा। अब आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की सबसे बहुचर्चित परीक्षा है जीओईटी की, जिसमें काफ़ी बड़े ग्रुप को उम्मीद रहती है कि आखिर हमें रोजगार कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें यदि आपने पोस्ट को 939 भरा है तो उसके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं कमीशन की तरफ से। तो आप हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट में जा करके लॉगिन में जाइएगा और वहां पर जा करके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको बता दें त्रैमासिक इलास्टडी करंट अफेयर की किताब लॉन्च कर दी गई है। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश एंड केंद्र सरकार का बजट तथा इकोनॉमिक सर्वे का संक्षिप्त नोट्स 2 वर्ष के है वो भी रिलीज कर दिए गए हैं। तीसरी किताब इस पर इलास्टडी टीम के द्वारा करंट अफेयर कम हिमाचल प्रदेश बजट एंड यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, इसके ऊपर भी एक किताब लॉन्च की गई है जो कि अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है, तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा आप एचएस एलाइड एनटी के लिए इलास्टडी टीम के बहुत ही बेहतरीन 3500 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप लोगों के लिए हमारी टीम लेकर आई है, दोनों भाषाओं में अंग्रेजी हिंदी में उपलब्ध है। आप इलास्टडी कोलोटिन वेबसाइट में जाकर के या अपने नजदीकी शॉपकीपर से आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। जीओईटी की किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो आप हिमाचल जीके कंसाइज वर्जन में अंग्रेजी हिंदी वर्जन में अवेलेबल है। इन किताबों के साथ में आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।